हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए सो so, आज क्रिसमस ईव है तो आप सभी को क्रिसमस ईव की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ एंजॉय कीजिए कल क्रिसमस है तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए ढेर सारा केक खाइए डाइट को भूल जाइए और पेस्ट्री खाइए केक खाइए जो भी हॉट चॉकलेट्स खाइए जो भी क्रिसमस स्पेशल चीज़ें हैं खुद भी गिफ्ट लीजिए दूसरे को भी गिफ्ट दीजिए मुझे भी दीजिए एंड बहुत इंजॉय कीजिए क्रिसमस ट्री सजाइए घर को सजाइए लाइट्स जलाइए चर्च में जाइए यू नो एन्जॉय द कैरल्स बहुत अच्छा होता है क्रिसमस कैरल्स सो so एक डिवाइन फील भी आएगा एंजॉय कीजिए बहुत ही अच्छा वक्त है और साल धीरे धीरे खत्म होने वाला है तो जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिए एंड हाई वाइब्रेशन में रहिए ओके सो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो आप सभी का फेवरेट लव रीडिंग है करेंट फीलिंग्स रीडिंग है बिकॉज आज संडे है ओके तो संडे आप सभी को पता है कि हम ये रीडिंग करते हैं एंड बिफोर द रीडिंग एक कोई ना कोई सवाल तो मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं तो आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर आप क्लॉज़ होते तो आप अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट करते क्रिसमस पे ओके अजीबो गरीब गिफ्ट भी आप कर सकते हो वो भी आप लिख सकते हो वो मजेदार होगा सुनने में कमेंट्स में तो जो भी आपका मन हो आप बोलिए कि अगर आप क्लॉज़ होते तो आपके पार्टनर को क्रिसमस पे क्या गिफ्ट करते वो आज जरूर कमेंट्स में बताइएगा ओके सो हम अब स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं ये एक लव uh, रीडिंग है सो so, आप दोनों के सिचुएशन के अंदर लव होना कंपलसरी है ओके okay? इसका स्पैन बहुत ज्यादा है मतलब ये सिंगल मिंगल्स ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट क्रश मैरिड अनमरिड हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है आज का रीडिंग ओके इट्स है आप सभी के साथ ये करे. हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके और अगर मैं आपको दिख रहा हूँ और मेरा वीडियो अगर ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया है तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस कम्युनिकेशन आपके लिए जरूर होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा इन समय रोल्स रिवर्स हो सकता है आप मेल फीमेल हो सकते हैं आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर okay? का कुछ सीन नहीं है इधर ओके okay. सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज द करेंट जनरल एनर्जी ऑफ योर पार्टनर लेट्स सी जब मैं काज शफल कर रहा हूं शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं ओके लेट्स क्रिसमस ईफ पे आज के स्पेशल रीडिंग में क्या है आपके पार्टनर का करेंट जनरल एनर्जी लेट सी ओके वी आर कनेक्टेड आई गेस वी आर कनेक्टेड ओके ओह सो देयर करंट करेंट जनरल एनर्जी स्टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार कार्ड आई थिंक दिस पर्सन Uh, ये जो इंसान है ये एक तरह से सीक्रेटली दे आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस प्रॉस्पैरिटी गुड फैमिली लाइफ गुड हेल्थ गेट टुगेदर फैमिली यू नो फैमिली के अंदर प्यार किड्स फैमिली एल्डरली सिटीजन पैसा अच्छा घर हर चीज़ दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग ओके okay, बहुत ही पॉजिटिव एक मैनिफेस्टेशन मुझे यहां पे दिख रहा है एंड दे आर करेंटली फीलिंग लाइक टू हील टू हील सम ऑफ़ अ सिचुएशन और uh, हो सकता है वो ऑलरेडी हील्ड हो रहे हैं या हीलिंग फेज में है साथ ही साथ में वो इस तरह का चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेट मी क्लैरिफाई दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स वेरी ब्यूटिफुल स्टार्ट लेट्स सी वाई दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर लेट्स सी टेन ऑफ पेंटिकल्स बिन क्लरिफाइड बाई पेज ऑफ कप्स एट ऑफ स्व एंड सेवन ऑफ कप्स ओके बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ पेंटिकल्स येस दिस पर्सन इज मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि यह हो सकता है एक हीलिंग फेज में है या कोई सिचुएशन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये चाहते हैं कि आप एक तरह से उनके फैमिली में शामिल हो और अब उनके फैमिली के अंदर लव आए प्यार आए एंड दैट इज यू सो दे वांट टू से सॉरी टू यू एक तरह से वो सॉरी बोलना चाहते हैं एक तरह से वो माफी मांगना चाहते हैं अगर उन्होंने कोई गलती किया है तो एंड आपको एक तरह से प्रपोज करना चाहते हैं ऑल्सो मैं यहां पर देख रहा हूं कि दिस पर्सन हैज अ अर ऑफ ऑप्शन ओके हो सकता है फैमिली में बहुत सारे लोग है, हो सकता है बहुत सारे दोस्त हैं हो सकता है ये इंसान पहले बहुत सारे रिश्तों में रहे हैं right 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 okay? so, एक तरह से वो इतना डिस्टर्बेंस इतना कंफ्यूजन इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट नेचर के अंदर नहीं रहना चाहते इतना कैजुअल नहीं रहना चाहते और uh, बहुत सारे अगर ऑप्शन है उन सब ऑप्शन को एक तरह से वो क्लोज ऑफ करना चाहते हैं एंड स्पेसिफिकली आपको प्रपोज करना चाहते हैं उसके लिए अगर उनको मेहनत करना पड़े एफर्ट्स देना पड़े तो वो राजी है ये करने के लिए एंड मेहनत और एफर्ट्स दे के वो एक तरह से आपको प्रपोज करना चाहते हैं ताकि आप उनके फैमिली में शामिल हो और फैमिली को ग्रोथ दे ओके वो ओके लेट सी What is their current feelings? What is the current feelings of this person? Let's see. Uh, current feelings of this person. Okay, we are connected. Yeah, okay. आई टोल यू मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता बॉटम ऑफ द डेक इज द मेजिशियन एंड द चैरियर दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग दे आर डीपली मैनिफेस्टिंग ताकि वो एक तरह से उनका एक कोई गोल है जिंदगी का और वो गोल वो हासिल करना चाहते हैं दे डोंट वांट टू फील कन्फ्यूज एनी मोर ओके दो सिचुएशन के बीच में कंफ्यूजन अब वो नहीं चाहते वो नहीं चाहते वो दे आर वेरी श्योर कि उनको क्या चाहिए ज़िंदगी में उन्होंने दे आर वेरी डिटरमाइंड उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया है कि हाँ मुझे 2024 में एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मुझे 2024 में शादी करना है ओके आई वॉन्ट टू कमिटेड मुझे शादी करना है तो इस तरह का एक गोल वो सेट कर रहे हैं हो सकता है एंड फॉर दैट वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं गुड लाइफ एंड गुड पीपल एंड अ गुड लवर ओके सो लेट मी क्लैरिफाई दिस चैरियट मैं दो कार्ड्स निकालूंगा एंड विल सी वेरी वेरी सॉलिड प्रपोजल अगर आप अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हैं अगर ये कोई नया इंसान है डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करने, करने के बारे में सोच रहे हैं अगर कोई पुराना इंसान है वो भी आपको सॉरी बोल के फिर से प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं एंड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे ओके नया पुराना कोई भी पर्सन हो सकता है आई ऑलरेडी टू वोल्ड यू कि इस रीडिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है तो मैरिड अनमैरिड सिंगल मिंगल कोई भी कुछ भी हो सकता है सिचुएशन टेक इट हाउ इन इट बीन दैरियाफाइड बाय द हर्मिट कार्ड एंड द किंग ऑफ स्वॉट्स ओके सो दे आर वेरी वेरी श्योर वो बहुत ही ज्यादा अभी uh, क्या बोलूँ मैं उन, उन, उनको बहुत ही ज्यादा दे आर वेरी क्लियर अबाउट द पाथ क्लियर अबाउट द गोल के उनको क्या चाहिए उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत सोचा आई थिंक पहले वो इतना ज्यादा क्या बोलूँ मैं इतना ज्यादा कमिटमेंट देने वाले इंसान नहीं थे या कमिट कमिटमेंट में आने वाले इंसान नहीं थे राइट right, बहुत ही डिटैच वो रहना पसंद करते थे कैजुअल रिलेशनशिप करना पसंद करते थे बट दिस टाइम दिस पर्सन गॉट द क्लैरिटी कि हाँ उम्र भी बढ़ रहा है और फैमिली भी चाहिए तो फैमिली के अंदर अगर किसी को लाना है तो मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा है अकेले में कि हाँ मेरा उम्र भी बढ़ रहा है एंड आई एम ग्रोइंग सो एक तरह से आई नीड अ कम्पेनियन एंड उन्होंने अपना गोल सेट किया है इस चक्कर में के मुझे करना है ओके सो या स्टार्स आर अलाइंड ऑल्सो स्टार्स आर अलाइंड मैं यहां पे देख रहा हूं कि घर बनता हुआ ओके? ओके. लेट्स सी व्हाट इज योर करेंट जनरल एनर्जी जब मैं कार्ड शफल करूंगा शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि अभी हम आपका एनर्जी चेक करने वाले हैं लेट्स वॉट इज योर करें जनरल एनर्जी वी आर कनेक्टेड आप लोगों का क्या हाल है क्वीन ऑफ वंस वाओ बॉटम ऑफ द डेक इज दू यू पर्सन आई थिंक यू आपने भी शायद किसी नए इंसान को अपने जिंदगी में या अपने लाइफ में आने के लिए अपना दरवाजा खोल के रख दिया है ओके आई कैन सी योर हाथ चक्रा इज ओपन आई कैन सी अव पर्सन इज एंटरिंग हो सकता है ये जो एनर्जी है वो किसी नए इंसान का एनर्जी है पुराना इंसान भी हो सकता है जो कि नए रूप में आ रहे हैं हो सकता है कैजुअल से थोड़ा सा स्टेबल ओके okay, मुझे यहाँ पे दिख रहा है पेज से क्वीन में ट्रांसफर होते हुए पेज ऑफ वंस से ये क्वीन ऑफ वंस में ट्रांसफर हो रहे हैं मतलब टू कैजुअल से मिनिमल uh, कैजुअल और बहुत ज्यादा कमिटेड ऐसा होते हुए ये इंसान मुझे दिख रहा है एंड आप वही चाहते हैं आप जानते हैं कि ये इंसान कैजुअल पसंद करता है कैजुअल रिलेशनशिप पसंद करता है बट यू वॉन्ट अ बैलेंस ओके okay? आप चाहते हैं कि चीजों में बैलेंस हो इतना ज्यादा कैजुअल लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा सो so, आप इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप चाहते हैं कि अगर कैजुअल भी करना है तो मेरे साथ करो और अगर कमिटमेंट uh, भी तुमको चाहिए तो वो भी मेरे साथ करो मैं ही फुलफिल तुम्हारा हर ख्वाहिश फुलफिल करने के लिए तैयार हूं बट जो भी होगा मेरे साथ होगा तो आपका एनर्जी वैसा है एंड आई थिंक आप नए इंसान के लिए पैशनेट बिगिनिंग के लिए आप रेडी हो एक तरह से मैरिज के लिए भी या yeah. इसके नीचे थ्री ऑफ पेंटिकल्स यू आर रेडी फॉर मैरिज एटलीस्ट यू आर रेडी फॉर एंगेजमेंट ओके ग्रेट 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 वेरी गुड वेरी गुड और विंटर सीजन है अभी तो शादी का सीजन है तो फटाफट शादी कर लीजिए मेरे को एक कार्ड भेज दीजिएगा एंड गिफ्ट भी ओके लेट सी जो भी आपके साथ कनेक्टेड हैं जो भी पर्सन है उनका करेंट इंटेंशन क्या है लेट सी व्हाट इज देयर करेंट इंटेंशन ओके बोलू वी आर कनेक्टेड ओके ओह इन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ वन आई थिंक वो उनका इंटेंशन है आपको प्रपोज करना बिकॉज यू आर ग्लोइंग एंड ग्रोइंग यू आर इंडिपेंडेंट यू आर ब्यूटिफुल और हैंडसम वॉट एवर जेंडर यू आर और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड मैंने बोला ना अगर वो पहले कैजुअल बहुत सारे लोगों के साथ अगर इन्वॉल्व थे या किसी पर्टिकुलर लोगों के साथ लोग किसी के साथ अगर वो इन्वॉल्व थे या कैजुअल चीज़ें अगर वो पसंद करते थे अभी दे आर टर्निंग देयर बैक टूवर्ड्स दोज पर्सन एंड दे दे आर टर्निंग देयर फेस टू यू ओके वो आपकी तरफ मुड़ रहे हैं एंड इसके नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स दे वॉन्ट टू गिव यू स्टेबिलिटी Uh, जो कि थोड़ा टाइम लगेगा बट दे वॉन्ट टू गिव यू स्टेबिलिटी बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा कैज़ुअल है इसका नेचर चेंज होने में वक्त लगेगा बट डेफिनेटली अगर इसने ठान लिया है और मेहनत कर रहा है तो हो सकता है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे ओके okay? ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है टेक इट हाउट रेजनेट्स बट देयर इंटेंशन इज टू गिव यू स्टेबिलिटी एंड वो आपको बहुत गौर से देख रहे हैं आपसे बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपके चक्कर में आई थिंक बाकी लोगों को भी इग्नोर कर रहे हैं एक तरह से वाह ग्रेट आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी ओके लेट्स वट इज योर इंटेंशन ल टेक ओनली वन कार्ड फॉर योर इंटेंशन ओके वी गॉट द कार्ड ओ ओके एकदम जम्प करके आया है एंड द इंटेंशन इज टेन ऑफ वंस ओके बट आपका इंटेंशन है कि कोई भी बर्डन सम कुछ अगर सिचुएशन है उस चीज से आप चाहते हैं कि आप बाहर निकले ओके okay? इसका बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट देख रहा हूं आप एक तरह से चाह रहे हैं कि कोई आपको सॉरी बोले किसी चीज के ऊपर एंड जो भी जो भी हैवी सिचुएशन है जो भी टेंशन है जो भी आपके दिमाग में चल रहा है या बहुत सारे लोग अगर किसी चीज में इन्वॉल्व हैं किसी uh, किसी प्रॉब्लम में अगर आप घिरे हुए हो वो सब खत्म हो जाए ओके योर इंटेंशन कि वो बर्डन को आप ड्रॉप करो और फ्रीली मूव कर सको दैट इज योर इंटेंशन ओके लेट सी आपकी तरफ से कुछ एक्शन होने के चांसेस है या नहीं इन दिस सिचुएशन Okay, आपके तरफ से कुछ एक्शन होने के चांसेस है या नहीं शादी शादी यू आर वेटिंग फॉर शादी एंड ah, बच्चे टू सो द किंग ऑफ ऑफ कप्स, एंड द सन कार्ड यू वांट टू गेट मैरिड यू वांट के कोई आपको आके सॉरी बोले एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट सॉरी और यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम वो वो इंसान आपके पास आए एंड आपको प्रपोज करे आपको लव ऑफर करे और खुल के बोले एटलीस्ट एक्सप्रेस करे इस चीज़ का आप बेसब्री से आप यू आर वेटिंग बहुत डेस्परेटली यू आर वेटिंग एंड ऑल्सो आई कैन सी कि यू आर वेटिंग फॉर द हैप्पीनेस जॉय प्रोस्पैरिटी एंड किड्स ऑल्सो बागे जाके किड्स uh, और अगर अभी की बात करो तो कोई आपको एज अ किड टैम्पर करे इस तरह का एक चीज़ Uh, आप चाहते हैं या आप उस इंसान को उस तरह से पैम्पर करने के लिए भी तैयार हैं यह भी हो सकता है ओके इट इट बट एक्शन वाइज मैं देख रहा कि uh, आप शादी के लिए तैयार हैं बट यू विल बी वेटिंग यू विल बी वेटिंग कि कोई आके आपको प्रोपोज करे तब जाके आप खुल के उसको बोले कि हाँ मैं भी आपसे प्यार करता हूँ एंड दिस एंड दैट फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ वेट करेंगे तो एक्शन वाइज आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान आएगा आपको प्रपोज करेगा और आप फटाफट शादी कर लो ओके सो दैट विल बी दैट द स्टोरी ओके नाउ लेट सी ये इंसान इस इंसान जो भी जिसके साथ आप कनेक्टेड है आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है लेट सी वॉट एक्शन और आउटकम ओके वी गॉट वन कार्ड जिन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग टिल नाउके दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से सॉरी टू यू दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रोपोज यू दिस पर्सन वॉन्ट्स अ रिकॉन्सुलेशन अगर पास पर्सन है अगर नया इंसान है तो मुझे यहां पर सेलिब्रेशन दिख रहा है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू पुट द एफर्ट एंड एनर्जी एंड लास्ट ट्राई लास्ट ट्राई लास्ट मरते दम तक ट्राई ताकि आप मान जाओ और जो भी आपको अगर अगर किसी आप टेंशन में है तो वो टेंशन आपका खत्म हो जाए और अगर वो खुद भी टेंशन में है और वो खुद भी उस टेंशन को एक तरह से खत्म करना चाहते हैं बेसिकली एक्शन वाइज अगर मैं बोलूं तो हो सकता है आपको कोई सॉरी बोले आके हो सकता है कोई रिकॉन्सुलशन करने की कोशिश करें एंड कोई जो भी बर्डन है जो भी आप दोनों के बीच में बर्डन सम सिचुएशन है उस सिचुएशन को ड्रॉप करें और कोई आके एकदम बहुत ही एंजॉयमेंट हो और मैं यहाँ पे एंजॉयमेंट मुझे दिख रहा है हो सकता है थर्टी फर्स्ट या फिर नया साल या फिर क्रिसमस आप एक साथ बिताओ ऐसा चांसेस है ओके okay? अगर ना भी हो तो एटलीस्ट दिस पर्सन विल थिंक अबाउट दिस एंड नए साल तक ये चीज हो सकता है देर इज अ चांस ऑफ री एंड कमिंग बैक टूगेदर ओके फिर से कोलोबरेशन एंड हैपीनेस जॉयफुल एनर्जीज वेरी गुड लेट सी आप या ये पर्सन कौन से साइन के हो सकते हैं अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है ये आप ही का रीडिंग है भले ही साइंस मैच ना करें ओके वी गॉट वन कार्ड सेकेंड कार्ड थर्ड कार्ड एंड फोर्थ कार्ड ओके सो अर्थ साइंस वर्गो के एक बार मैं फिर से बोलता हूं स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो केप्रिकॉन अर्थ साइंस एरिज लियो सेजिटेरियस फायर साइंस एंड जेमिनाइलिब्रा एक्वेरियस एयर साइंस ओके नाउ अब हम चेक करेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है खास करके जीजस की तरफ से अभी दो दिन हम जीजस की तरफ से गाइडेंस चेक करेंगे सेंटा जीजस एंजल्स जो भी हैं आप हमको गाइडेंस दीजिए स्पिरिचुअल मैसेज दीजिए लेट्स सी क्या आ रहा है वी गॉट वी गॉट अनदर कार्ड ये तो फ्लाई होते हुए आ रहा है ओके सो कार्ड जो फ्लाई करके आया उसके बाद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी फ्लाई करके आया है और जो कार्ड मैंने निकाला है दैट इज सेवन ऑफ वॉन्स सो यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स की तरफ से जीसस की तरफ से आपके लिए जो एंसान की तरफ से भी आपके लिए जो गाइडेंस है जो मैसेज है वो ये है पहली बात टेक स्टैंड फॉर योर हमेशा अपने लिए स्टैंड लीजिए दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है आप थोड़ा सा अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रूड किस्म के थोड़ा सा आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है रिसेंटली ऐसा हो सकता है तो अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और जो स्पिरिचुअल uh, मैसेज की मैं अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक अनब्लॉक कर सकता है अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो या फिर आप दोनों के बीच में अगर एनर्जी ब्लॉकिंग है बातचीत में कोई ब्लॉक है या मिलने में कोई ब्लॉकिंग है तो वो ब्लॉक क्लियर होते हुए मुझे यहां पे दिख रहा है एंड इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस आते हुए मुझे यहां पे दिख रहा है ओके okay? यार yeah. कोई इंसान अपना जो भी ईगो है वो कम करेगा एंड डेफिनेटली देर इज अ चांस ऑफ इक्वल गिव एंड टेक ओके बट उसके लिए आपको अपने uh, अपना जो गुस्सा है अपना जो नेगेटिव ट्रेट्स है जो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ थोड़ा सा आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा उसको थोड़ा सा लेवल कम करना होगा ये शायद रिसेंटली अभी किसी चीज़ के लिए हुआ है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए खुशी मनाइए अभी क्रिसमस है तो एंजॉय कीजिए और हाई वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशंस में रहिए ओके सो ये था आज के लिए आपका गाइडेंस एंड डेफिनेटली देर इज़ अ चांस ऑफ सम वन इज गोइंग टू अनब्लॉक यू और अगर कोई ब्लॉक है वो ब्लॉक क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है ओके okay, ये था गाइडेंस एंड मैसेज सो कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज कॉमेंट्स में बताइएगा सभी को क्रिसमस ईव की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड जो सवाल मैंने किया है कि अगर आप सैंटा होते तो आप अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट देते वो जरूर आज आप कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कल हम नो कॉन्टैक्ट रीडिंग लेके आएंगे बिकॉज कल मंडे है आप सभी को पता है आप का फेवरेट रीडिंग है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन हम चेक करेंगे सो so, कल के लिए वेट कीजिएगा आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर क्रिसमस रीडिंग नो कॉन्टैक्ट एंड क्रिसमस एक साथ ही हम लोग रीडिंग में सेलिब्रेट करेंगे एक तरह से सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी क्रिसमस ईव एंड संडे